इस बीच एक बार नजर डालते हैं आईसीआईसीआई बैंक पर। ये तो खैर सब जानते हैं कि आज भी ये करीब प्रेशर में है, 2% नीचे है, लेकिन राकेश जो बड़ी कंसर्न है आईसीआईसीआई पर वो आप पिछले 5-6 सेशन में अगर इसका मुंह देखें और जिस तरह से मतलब यू नो वो 245 और 50 के बीच के जोन से जिस तरह से स्लाइड करते करते आज 217 तक आ गया है, अगर ये इसी रफ्तार से चलते रहा तो ये फिर से एक बार जो फरवरी में इसका लो बना था 180 के आसपास का वहाँ तक भी जा सकता है और संकेत तो इस तरह के ही लग रहे हैं इस पर फिलहाल। बिल्कुल अमीर, अगर आप देखें तो 220-222 का एक क्रिटिकल सपोर्ट था और उस सपोर्ट को ये स्टॉक ने आज तोड़ा है, नीचे 220 के नीचे क्लोजिंग लेता है तो एक डिक्लाइन टूवर्ड्स 204-205 शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकता है। चलिए अब थोड़ा सा विषय को बदलते हैं, इन स्टॉक्स पे आएंगे डेरिवेटिव्स जो बहुत एक्टिव स्टॉक्स हैं और हेमंत की राय भी लेंगे, लेकिन कुछ देर के लिए हम उस स्टॉक की बात करते हैं जो कि आपके बजट में रोज फिट हो जाता है, शेयर आपके बजट में। सुमित बताइए। राज्य शेयर चुन के लाया, पावर यूटिलिटीज कारोबार के अंदर है, केएसके एनर्जी को चुना गया है। कंपनी का जो शेयर प्राइस है हायर लेवल से करीब 50% इसकी वैल्यू इरोड हो चुकी है, 45% अपने हायर लेवल से नीचे है। इस क्वार्टर के अंदर कंपनी घाटे से मुनाफे में आने का एक अनुमान लगाया जा रहा है, जिन रिपोर्ट्स को रिफर किया गया है सबका यह मानना है कि पिछले क्वार्टर के अंदर भी कंपनी ने एक अच्छे नंबर दिए थे और वाईओवाई बेसिस पे देखे तो कंपनी घाटे से मुनाफे के अंदर अपने नंबर्स पोस्ट कर सकती है। ऑपरेटिंग मार्जिन भी करीब करीब 10% इस तिमाही के अंदर बढ़ सकते हैं कि इनपुट कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा ईज आउट हुई है और उसका इम्पैक्ट कंपनी के मार्जिन के ऊपर आता हुआ दिखाई पड़ सकता है, तो हो सकता है इसकी वजह से कंपनी के जो बॉटम लाइन है वो और इंप्रूव होते हुए दिखाई पड़े। एक वैल्यू वाइज अगर आप देखें तो FY18 के लिए अनुमान लगाया जा रहा है करीब करीब 14 रुपए की EPS के आसपास का और महज 2 से 2.5 के मल्टीपल पे शेयर कामकाज कर रहा है। जिस तरह कंपनी ने नंबर्स पोस्ट कर रही है, जिस तरह की वैल्यूएशन है, इसके आधार पर क्योंकि कैश भी कंपनी पर साउंड है, हालांकि डेट है उसको ईज आउट कर रही है, पिछले 2 क्वार्टर से कंपनी लगातार अपने डेट्स को ईज आउट कर रही है और डिविडेंड ट्रैक रिकॉर्ड भी साउंड है, करीब FY14, 13, 15 सब में कंपनी ने अपना लगातार डिविडेंड पे ऑफ भी किया है, लेकिन अच्छे वैल्यू के करीब करीब 2 से 2.5 के मल्टीपल, जबकि पूरा सेक्टर 19 से 20 के मल्टीपल पर कामकाज करता है, तो एक अच्छी वैल्यू वाइज भी ये शेयर दिखाई पड़ रहा है। रिलायंस सिक्योरिटीज की एक रिसेंट रिपोर्ट को देखा गया है, करीब 46 रुपए के टारगेट्स के लिए वो यहाँ पे खरीदारी की राय दे रहे हैं, 46 रुपए के लक्ष्य के लिए केएसके एनर्जी वेंचर्स में खरीदारी की राय है। 3450 पे स्टॉक लगभग 0.4% ऊपर डे हाई की ट्रैजेक्टरी में कारोबार कर रहा है, 46 का लक्ष्य। सुमित बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए। इस बीच मार्केट्स थोड़ा सा स्टेबल होते हुए 7737 पे कारोबार कर रहा है, निफ्टी करीब 10 अंक नीचे। राकेश बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, सभी स्टॉक्स पे इंडेक्सेस पे रखा किया आपने। हमारे साथ कुणाल बोथरा भी हैं टेक्निकल से बात करने के लिए। कुणाल मॉर्निंग कार्यक्रम में स्वागत है आपका। कुणाल आपने अपने क्लाइंट्स को आज के इस सेशन के लिए क्या राय दी है और किन स्टॉक्स को आप चेज कर रहे हैं और कहां कहां शॉर्ट के बारे में सोच रहे हैं आप? जी गुड मॉर्निंग, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो हमने तो ये रिकमेंडेशन अपने क्लाइंट्स को एडवाइस दिया है कि यू नो 7700 जब तक निफ्टी कन्विंसिंगली बेसिस पे ना तोड़े तब तक यू नो ज्यादा पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है। यू नो हमें ऐसा लगता है कि यू नो ये मोर लेस ग्लोबल करेक्शन, यू नो ये साइडवेज जो मार्केट्स हो रहे थे लास्ट यू नो कपल ऑफ वीक्स में, ग्लोबल मार्केट्स यू नो जब वहां पे करेक्शन दिखाई है लास्ट 1 वीक में डाउ जोन्स भी हमने देखा हो या इमर्जिंग मार्केट्स में भी काफी सारे इंडेक्सेस जिसने 3-4% करेक्शन किया है अपने हाई से, तो यू नो निफ्टी भी अगर यू नो मोर लेस 79-80 आ रही पकड़े ऑलमोस्ट 3-3.5% का करेक्शन हो चुका है, तो मोर लेस इट सीम्स लाइक अ ग्लोबल करेक्शन एंड हमें ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं 7650 और 7700 के बीच में बहुत अच्छा सपोर्ट जोन है। बिल्कुल, चलिए आशीष आपका भी शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। एक बार देख लेते हैं मिड कैप में हल्की सी जो मजबूती है वो बढ़ी है, अगर आप निफ्टी 50 को देखेंगे, मिड कैप के निफ्टी 50 को, तो इसमें अब करीब 1/4% के आसपास की बढ़त देखने को मिल रही है और अदानी पावर अच्छा मुंह दे रहा है, ये करीब 2.25% ऊपर है। अजंता फार्मा और एक काउंटर है जो कि करीब 0.5% ऊपर इस समय ट्रेड कर रहा है। हेमंत, अदानी ग्रुप का कोई स्टॉक आपके रडार पर है क्या? देखिए पहली चीज़ मुझे अदानी पोर्ट में इतनी वीकनेस नहीं लग रही थी जितनी आज देखने को मिली, मेरे ख्याल रिजल्ट्स का रिएक्शन है। अदानी पावर में थोड़ा एक्यूमुलेशन बहुत टाइम से चल रहा है मुझे ऐसे लग रहा है, क्योंकि अगर आप धीरे धीरे देखिए वीक ऑन वीक बेसिस ओपन इंटरेस्ट ऐड भी हो रहा है और स्टॉक का रोल ओवर्स भी अच्छे हुए थे, तो मेरे हिसाब से 30 और 30.50 इतना स्ट्रॉन्ग बेस बनाया है स्टॉक ने कि 35 तक जाने का इसमें पोटेंशियल है, अगर ये 30-50 का घर नहीं तोड़ता है तो।
तो मेरे ख्याल अदानी पावर क्वालिफाइज एज अ गुड पिक अमंग ऑल अदानी ग्रुप स्टॉक्स, लेकिन अदानी पोर्ट्स में मैं बोलना जरूर चाहूंगा कि नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 218 रुपए का है और आज की किस तरह से पोजीशंस ऐड होती है उस तरह देखना चाहिए, क्योंकि मेरे हिसाब से बहुत अहम सपोर्ट नीचे की तरफ तोड़ दिया है, तो ऐसा लगता है कि 217 218 तक एक बार जाएगा।